हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा एजुकेशन में आपका दोस्त मैं मनोज यादव आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आप सभी को पीरियोडिक टेबल आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि उसको कैसे उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है और कैसे उसका एटॉमिक मास याद रखना है, उसका नाम क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है। तो सारे एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मोस्टली आज हम यहाँ पे 16 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग बेहतरीन होंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन हाँ चलिए हम लोग जो समझाते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम एंड द एटॉमिक मास। तो हम पॉइंट वाइज धीरे धीरे इसको क्लियर करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लेते हैं नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन किसका होता है तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है, चार लाइन है, मान लीजिए हमारे पास एटॉमिक नंबर वन है। अब एटॉमिक नंबर वन है तो ये किसका हो सकता है, ये हो सकता है साथियों एच का। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है साथियों हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। एच का मतलब हाइड्रोजन, ठीक। एच का मतलब इसका एटॉमिक नंबर एक है, सिंबल एच है, नेम हाइड्रोजन है। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा वन, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर टू की। तो नंबर टू का क्या हो जाएगा साथियों, नंबर टू का हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा, एच ई। इसका सिंबल क्या होता है, एच ई होता है। नाम क्या हो जाएगा, हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं अगर एटॉमिक मास की, तो इसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो हो जाएगा 4.00, ओके। तो ये हो जाएगा इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर के, याद रखते चलिए, बस ऐसे आप समझते चलिए। तीसरा नंबर है लिथियम, क्या है, लिथियम है, क्या है, लिथियम है। तो इसको हम क्या कहते हैं साथियों, एल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लिथियम। क्या हो जाएगा, लिथियम, लिथियम। अब अगर हम बात करते हैं इसके एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली लगभग डबल होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 6, क्या हो जाएगा, 3 × 6। तो इसका जो एटॉमिक मास, करेक्ट एटॉमिक मास होता है वह होता है 6.94। क्या होता है, 6.94 होता है। अब अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की, ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है दोस्तों, चलिए नहीं दिखेगा तो बता दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं फोर नंबर की, तो फोर नंबर में जो हमारा आता है बेरियम आता है। इसका जो सिंबल होता है, एक मिनट, आप सभी को दिक्कत ना हो, ठीक। इसका जो सिंबल होता है बीई होता है। क्या होता है, बीई होता है। अब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं इसका नेम क्या हो जाएगा, तो बेरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा, ठीक। तो बेरियम का अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास जो होता है दोस्तों इसका 4 × 8 अप्रोक्स 9 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 9 के हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हमने अब 4 यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम फिर से ऊपर लिखेंगे और आप सभी लोग इसको देखते रहिए, नोट करते रहिए और याद करते रहिए। चलिए आइए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों पांचवें नंबर की, किसके, पांचवें नंबर के बारे में। तो पांचवें नंबर का जो सिंबल होता है वो बी होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बोरान। क्या हो जाएगा, बोरान, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके एटॉमिक मास की, किसकी बात करते हैं, इसके एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 10.81। क्या हो जाएगा, 10.81। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन का होता है, याद रखिएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, सिंबल सी हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको, कार्बन। क्या कहेंगे, कार्बन। अब अगर हम बात करते हैं इसके एटॉमिक मास की, इसका एटॉमिक मास जो होता है साथियों वह हो जाएगा 12.01। क्या हो जाएगा, 12.01, ठीक है। अब हम चलिए
चलिए सेवन की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेवन, एटॉमिक नंबर सेवन किसका होता है? एटॉमिक नंबर सेवन किसका होता है? इसका सिंबल एन होता है। एन क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जब हम देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास लगभग डबल होता है, तो 7 × 14 क्या हो जाएगा? 7 × 14। ठीक, सभी को क्लियर हो रहा है दोस्तों? बात समझ में आ रही है सभी को? जहां पर अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 8 नंबर की, ठीक है, तो 8 नंबर में जो हमारा आता है वो क्या आता है? 8 नंबर किसका होता है? एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है? ओ का। ओ का मतलब ऑक्सीजन का। ठीक, ऑक्सीजन का। तो 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16। तो इसका अप्रोक्स जो होता है वो 16 के आता है, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 8 तक आपको क्लियर हो गया? चलिए बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया है तो सभी लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और लिखते चलिए। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं 16 तक। कहाँ तक है? 16 तक। ठीक है, सबको याद करते चल रहा है, आराम से आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बस आपको सीरियल नंबर याद रखना है अपने आप, एटॉमिक मास और उसका नेम पता हो जाएगा, सिंबल याद रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं 9 नंबर की। तो 9 नंबर में क्या आता है आप सभी को पता होगा, मैंने बोला था फ्लोरीन F, ठीक है, FLORIN, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो 9 × 2 क्या हो जाएगा? 18। 18 का यदि हम देखते हैं, अभी मैंने एग्जांपल्स दिए थे एटॉमिक मास में, इसी के एग्जांपल्स मैंने दिया था। ठीक है, तो 9 फ्लोरीन, F फ्लोरीन, और इसका हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास 19 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं 10 की, इसकी 10 की, तो 10 नंबर में क्या आता है? 10 नंबर में आता क्या है? Ne किसका होता है बताइए जल्दी से? Ne का आप बताइए हमें, एटॉमिक मास और नेम बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए जल्दी से, कर दीजिए। चलिए, तो इसका हो जाएगा, हम बता देते हैं, नियॉन। तो नाइन, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास 20.17। क्या हो जाएगा? 20.17। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 11 नंबर की। 11 नंबर में क्या हो जाएगा? 11 नंबर किसका होता है? एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सभी लोग बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा लेकिन याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एन ए, अब याद हो गया होगा, एन ए, एन ए मतलब सोडियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सोडियम, 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 क्या हो जाएगा? 11 × 2 = 22, यानी इसका लगभग 23 होता है। कितना होता है? 23। ठीक है, ओके, तो जो हो जाएगा इसका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब हम बात करते हैं 12 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। 12 नंबर का सिंबल जो होता है वो Mg होता है। Mg क्या होता है? Mg क्या होता है? Mg। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। अब इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? बोलिए, इसका एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24.3। क्या हो जाएगा? 24.3। अब हम बात करते हैं 13 नंबर की। सभी को दिख रहा है दोस्तों, साथियों सभी को दिख रहा है? चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 नंबर का, तो 13 नंबर का होता है क्या हो जाएगा? Al। Al, Al किसका होता है बताइए जरा, Al किसका होता है? Al होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। ठीक, क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जब हम देखेंगे एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, तो इसका मास हो जाएगा 26.32। क्या हो जाएगा? 26.9 या 7 मान लीजिए। चलिए चलिए इसको हम बता देते हैं आपको ये, ठीक है, तो 26.98 हो जाएगा एल्यूमिनियम का। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई दोस्तों?
एक बार आप देख लीजिए इसको, सभी को दिख रहा है? तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 14, 15 और 16 का। तो आप सभी लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, फिर हम करवा देते हैं, ठीक है? कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, तो जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 है, मैंने 13 तक बात कर लिया था एल्यूमिनियम तक, अब यहाँ पे बात करता हूँ 14 की। तो 14 का जो होता है वो होता है SI, ठीक है? क्या हो जाएगा? SI। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिलिकॉन। क्या कहते हैं? सिलिकॉन। क्या कहते हैं? सिलिकॉन, ठीक है? सिलिकॉन। तो इसका हो जाएगा 14 × 28 क्या हो जाएगा? 28.08। क्या हो जाएगा? 28.08 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 15 नंबर की। 15 नंबर क्या होता है? 15 नंबर क्या होता है दोस्तों? 15 नंबर एटॉमिक नंबर किसका होता है? P का, ठीक है? और 16 नंबर किसका होता है? S का। तो ये याद रखना है, 15 नंबर होता है P, P मतलब फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस, ठीक। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। 15 × 30 होता है, तो इसका एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो 30.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30.9 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 16 नंबर, एटॉमिक नंबर 16 का सिंबल है S, नेम क्या हो जाएगा? सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर। सल्फर क्या हो जाएगा? सल्फर। और जो एटॉमिक मास होता है इसका, अब ये याद रखिएगा, इसका एटॉमिक मास होता है 32.06। क्या हो जाएगा? 32.06। तो आई होप दोस्तों आपको 16 नंबर तक का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सिंबल्स एंड नेम्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अगर क्लियर हो गया है तो आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जिसके साथ आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सभी को। जय हिंद।